और सिरसा में ग्राम पंचायत नाथूसरी कला और युवा क्लब की ओर से छठे विशाल कॉस्को क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं श्री बाबा ताराजी कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने किया। इस मौके पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। उद्घाटन मैच गांव बरासरी और नेजरडोला कलां के टीमों के बीच खेला गया। गोविंद कांडा ने सबसे पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय हासिल किया और खेल भावना से खेलने के लिए शुभकामनाएं थी। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाई गोपाल कांडा ने खेल मंत्री रहते हुए प्रदेश में नई खेल नीति लागू की थी और उसी नीति का देश के दूसरे राज्यों में भी अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने टूर्नामेंट आयोजन कमेटी को अपनी ओर से 31,000 रुपए की सहयोग राशि भेंट की। बता दें कि इस टूर्नामेंट में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की 70 टीमें भाग ले रही हैं। वहीं एलनाबाद उपचुनाव में साथ देने के लिए एलनाबाद की जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि जल्द ही सीएम मनोहर लाल क्षेत्र की जनता का धन्यवाद देने के लिए आएंगे। उन्होंने कहा कि धन्यवाद रैली होगी लेकिन अभी तिथि तय नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के समक्ष क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं रखकर उनका समाधान भी करवाया जाएगा। सेब की समस्या के लिए एलनाबाद क्षेत्र में 98 करोड़ रुपए का एक पायलट प्रोजेक्ट लागू किया गया है। अभी इस पर और भी काम होना है और साथ ही उन्होंने कहा कि जन सेवा के लिए राजनीति में आया हूं। धन्यवाद दौरे का एक इंतजार कर रहा हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे एक रैली तो दे दी एलनाबाद के लिए, विकास के लिए, क्योंकि मुझे एलनाबाद के लिए और एलनाबाद हलके के विकास के लिए काफी कुछ उनसे लेना है कि मेरा हलका प्रोग्रेस करे, काफी दिनों से जो पीछे रह चुका है। और काफी मुख्यमंत्री जी ने हमारे हलके में काम किए हैं, चाहे आज सेम समस्या के लिए हमारे 98 करोड़ रुपए मंजूर, हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुझे इनफॉर्मल विधायक घोषित किया हुआ है। मैं आपकी सेवा के लिए किसी प्रकार की कोई काम के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। तन मन से मैं और मेरा परिवार आपके साथ है, हमारी पार्टी के लोग, हमारी पार्टी पूरी, हमारे सीएम साहब, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कमी नहीं आएगी आपके विकास में, आपके काम में। हम तन मन से आपकी सेवा करेंगे। जो आपने आशीर्वाद दिया इसके लिए मैं पूरे ग्रामवासियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ये बहुत हमारे भाई गोपाल कांडा जी जब 2009 में MLA बने, बाबा जी की कृपा से मंत्री बने, तो उनके पास खेलों का ही मंत्रालय मिला और उन्होंने खेलों के अंदर वो घोषणाएं करी जो आज तक पूरे हिंदुस्तान में किसी ने नहीं की। उन्होंने कहा अगर मेरा कोई हरियाणा से खिलाड़ी निकलेगा तो उसको 1 करोड़ रुपया, तो उस गांव को 25 लाख रुपया और DSP तक के पद देने की घोषणा भाई गोपाल कांडा जी ने की हुई है। और आज इसी घोषणा पे हमारा हरियाणा अमल करता आ रहा है। मैं आज सुबह के अखबार पढ़ रहा था कि हमारे हरियाणा के 3 खिलाड़ी जिन्होंने अभी जो नेशनल बच्चा क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर आज हमारे आए हैं अंडर 19 में, तो मैं उनको भी बधाई देता हूं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से।